आप 27वीं बार अपनी इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित चुनी गई हैं, आप किस तरीके से इस तरीके से सफल अध्यक्ष आप बनी हैं और आपकी एसोसिएशन आपकी अध्यक्षता में जो प्रगति कर रही है उसका मूल मंत्र क्या है? आगरा मशीनरी एंड हार्डवेयर एसोसिएशन का मैं 27वीं बार अध्यक्ष चुना गया हूँ और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मशीनरी के सभी सम्मानित सदस्य मुझे लगातार निर्विरोध अध्यक्ष बनाते रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आज तक मेरे सामने किसी ने नामांकन नहीं किया है। उसका मुख्य रूप से कारण है उन सभी व्यापारियों को, जितने भी हमारे संस्था के सभी सम्मानित सदस्य हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो अध्यक्ष है, इनकी अध्यक्षता में हम सब व्यापारी सभी मामलों में सुरक्षित हैं। हमारे व्यापारी की जो समस्या होती है, चाहे पुलिस की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, सेल टैक्स की हो, वेट की हो, जीएसटी की हो, तयबाजारी की हो, लेबर की हो, अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, और उनको लगता है कि हमारा अध्यक्ष ऐसा अध्यक्ष है जो अपने आप में संपूर्ण है और सक्षम है। मैंने अनेक बार उनसे आग्रह भी किया, भाई कोई नया अध्यक्ष चुन लीजिए, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण निकल कर आई, उन सभी का कहना था कि हमें अध्यक्ष ऐसा चाहिए जिसके काम से अधिक उसके नाम से काम होता हो और वो हर समस्याओं का निदान करता हो। तो मैं समझता हूँ मेरे आगरा मशीनरी के व्यापारी जितना इस संस्था को आगे बढ़ाने में चलाने में व्यापारियों के लिए मेरा योगदान है, उससे भी कहीं अधिक योगदान मेरे पदाधिकारियों का, मेरे सम्मानित सदस्यों का है।